नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार, आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से जितने भी रोजगार थे, अभी सब रोजगार जो है ठप्प हैं। वैसे तो लॉकडाउन से पहले भी इतना मार्केट में काम नहीं था, लेकिन खरीदारियां जो थी वो चालू थी। लेकिन अब इस टाइम सभी खरीदारियों में पाबंदी लगा दी गई है और इस टाइम पे अब किसी का भी कोई रोजगार नहीं चल रहा है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत अब उन लोगों को हो रही है जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया हुआ था, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ था और उनकी EMI टाइम से नहीं जा पा रही। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ, EMI टैक्सी वालों की भी EMI इस टाइम पे नहीं जा पा रही है टाइम से, क्योंकि टैक्सी लाइन का जो धंधा है बिल्कुल इस टाइम ठप है। और अभी जो भी टैक्सी ड्राइवर्स थे, वो ऐसे तो कुछ लोग गाड़ियां चला रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियां बंद करके बैठे हैं, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन कहीं पे तो दिन नाइट कर्फ्यू में चल रहा है, कहीं वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, कहीं पे 7 दिन 7 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे में जो है कि सभी के लिए इस टाइम बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जितने भी टैक्सी ड्राइवर भाई हैं सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर के लिए तो भाई एक ही रोज़गार था कि सिर्फ उनकी गाड़ी चलेगी तो वो अपनी गाड़ी की EMI देंगे। EMI के साथ साथ उनके घर का जो खर्चा होता है उसे भी वो उसी से चलाएंगे। और कोई टैक्सी ड्राइवर के पास कोई भी कैसा भी कोई रोज़गार नहीं है। और दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना महामारी की वजह से सभी लोगों के रोज़गार ठप हुए पड़े हैं। ऐसे में हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि जो बैंकर्स हैं उन्होंने RBI से मांग की है कि जितनी भी भाई सभी पे जो बैंक से लोन ले रखा था, बैंक से कर्जा ले रखा था, उनके EMI उनकी किस्त जो है होल्ड कर दी जाए, मॉरेटोरियम की जाए। और जैसे पिछले साल जैसे हुआ था लॉकडाउन में कि EMI तो होल्ड हो गई थी 3 महीने के लिए, लेकिन उसमें क्या था, ब्याज दर जो थी ब्याज लोगों को देने पड़े थे। और ऐसे में अभी जो मांग की गई है उसमें क्या है कि अब आपकी अगर ब्याज भी माफ़ की जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों EMI से ज़्यादा तो कंपनियों के जो फाइनेंसर होते हैं वो ब्याज लगा देते हैं। और जब EMI जब भरना है, EMI तो भरना है, फिर होल्ड होने से फिर फ़ायदा क्या? अगर ब्याज ही हमें ब्याज भरना है तो फिर होल्ड क्यों करेंगे? कहीं से कर्जा लेके ही भरते रहेंगे ना। तो इसलिए EMI के साथ साथ ब्याज भी होल्ड होनी चाहिए। अब आप लोगों की मर्जी, आप हमें कमेंट करके बताना क्या ये जो अपडेट है आप लोगों को अच्छी लगी। और दोस्तों, मैं तो आशा करता हूँ कि ऐसा हो जाए। अभी जो बैंकर्स हैं इंडिया के, उन्होंने RBI से मांग की है कि जितने भी कर्ज धारक हैं जो EMI पे करते हैं उनके लिए अभी 3 महीने के लिए उनकी EMI पर छूट दी जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो हमें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं, जब तक के लिए इतना ही। कमेंट करके अपनी राय हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।